दोस्तों आज हम आपको चेक करना बताएंगे कि आपने हाई वोल्टेजेस जो जेनर डायोड्स हैं उनको आपने कैसे टेस्ट करना है। जो लो वोल्टेजेस जेनर डायोड होती हैं उनको तो हम पावर सप्लाई के साथ चेक कर लेते हैं, जैसे कि 2.2 वोल्ट है, 12 वोल्ट है, 15 वोल्ट है, 39 वोल्ट है। तो 39 वोल्ट तक की पावर सप्लाई, तो वैसे अगर सिंगल पावर सप्लाई है तो वो 32 वोल्ट तक आती है, उसको इसको भी चेक नहीं किया जा सकता। लेकिन आगे चल के वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास कौन सी पावर सप्लाई है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं जी। और जो जेनर डायोड का सिंबल होता है वो कुछ इस तरह से होता है। देखें, नॉर्मल डायोड जो होती है वो इसके ये दो जो हैं वो मूछें या कह लें या पाँव ये नहीं होते हैं। तो जब हम इनको ऊपर नीचे कर दें तो ये जो है जेनर का बन जाता है। तो जेनर डायोड इस तरह से इसको डिनोट किया जाता है। इसके बाद देखें, इसका भी सेम ही ये प्रोसीजर है, एनोड और कैथोड, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इस तरह से इसको आप पहचान सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, हमारे पास जी जो पावर सप्लाई है वो डबल चैनल पावर सप्लाई है। देखें, इसमें एक चैनल इस तरफ है और एक चैनल इस तरफ है, और दोनों चैनल जो हैं वो 33 वोल्ट्स आपको अभी डिस्प्ले पे नज़र आ रहे हैं। और इसके अलावा इसमें ये फंक्शन भी मौजूद है कि हम इनको सीरीज़ में अटैच करके तो इनको 64, 65, 66 वोल्ट की पावर सप्लाई में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखें, इसके साथ ही देखें ये सीरीज़ का फंक्शन मौजूद है। तो जब हम ऊपर वाले बटन को प्रेस कर देते हैं तो ये सीरीज़ में चली जाती है, और इस तरह से हम यहाँ से वोल्टेज 66 वोल्ट हासिल कर सकते हैं। और नॉर्मली जो सिंगल पावर सप्लाई होती है उसमें 32 वोल्ट तक ही आते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं जी कि जहाँ 39 वोल्ट को भी हम 32 वोल्ट की पावर सप्लाई पे नहीं चेक कर सकते हैं, जबकि अगर हमने चेक करना हो जी 152 और 172 वोल्ट की जो जेनर डायोड्स हैं उनको चेक करना हो तो उनको कैसे चेक किया जाएगा। तो उसके लिए हम आज आपको तरीक़ेकार बताएंगे कि आपने कैसे करना है। लेकिन सबसे पहले हमें क्या चेक करना आना चाहिए, इस जेनर डायोड को सिंपली जो कम वोल्ट वाली जेनर डायोड्स हैं उनको भी चेक करना आना चाहिए। तो देखें, जो जेनर डायोड होती है इसको अगर हम थोड़ा सा जूम कर लें तो एनोड और कैथोड तो मैंने आपको बता दिया किस तरह से है। तो देखें, यहाँ पे ये जेनर डायोड है, इसकी ये देखें एक साइड आपको ब्लैक नज़र आ रही है और एक साइड बिल्कुल रेड नज़र आ रही है। तो जो ब्लैक साइड है इसको कहते हैं जी कैथोड, और जो रेड साइड है ये जहाँ पे कुछ भी नहीं होता ये एनोड कहलाती है, इनकी पॉजिटिव और ये साइड नेगेटिव। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक और किस्म की भी है, और ये देखें ब्लू कलर की है ये, तो ब्लू कलर में भी आती हैं और कुछ कंपनियाँ ये मैन्युफैक्चर करती हैं इस तरह से। तो ब्लू कलर वाली जो होती है वो इसकी कैथोड होगी, और जो इसकी दूसरी साइड होगी इसको एनोड होगी। तो इसी तरह से इनके ऊपर कुछ नंबर्स भी आते हैं लिखे हुए, लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूँ कि अगर इसके ऊपर ये नंबर्स ना हो तो फिर आपने इसको कैसे टेस्ट करना है और कितने वोल्ट की है ये वो कैसे आपने जानना है। तो आज की ये हमारी ये वीडियो में ये बात जो है वो मेन हमारा टॉपिक रहेगा। और दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि आपने जो इसको सबसे पहले टेस्ट कैसे करना है। तो टेस्ट करने के लिए देखें आपने क्या करना है कि जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपने 2 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस ले लेनी है, और 2 किलो ओम की रेजिस्टेंस को जो इसके कैथोड साइड है इस साइड पे आपने इसको अटैच कर देना है इसकी सीरीज़ में, और एनोड साइड जो है वो ओपन रहेगी। अब यहाँ पे जब आपने इसको इस तरह सीरीज़ में लगा लिया तो फिर क्या करना होगा, फिर आपने क्या करना होगा जी, पावर सप्लाई देनी होगी। तो पावर सप्लाई का क्या करेंगे कि देखें पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इसका भी एक तरीक़ेकार है। तो जो पॉजिटिव साइड होगी वो रेजिस्टेंस के जो साथ है उसको अटैच कर दें, यानी कि डायोड के कैथोड साइड पे पॉजिटिव पॉइंट लगाएंगे, यानी कि माइनस पे पॉजिटिव आएगा और पॉजिटिव पे माइनस जो है वो लगेगा। तो इस तरह से आप दोनों अटैच कर लें। तो आप इस तरह से लगाने के बाद फिर क्या करना चाहिए आपको कि आपके पास मल्टीमीटर होना चाहिए और डीसी वोल्ट पे उसको सेट कर लें, और फिर उसके बाद हम इसको पावर सप्लाई को ऑन कर लेते हैं। अब देखें, जब पावर सप्लाई ऑन हो गई तो वोल्टेजेस जो हैं वो यहाँ पे आने शुरू हो गए हैं। अब इसके क्रॉस सेक्शन पे, यानी कि जो डायोड है इसके दोनों साइडों पे, तो क्रॉस सेक्शन पे हम इसके वोल्टेजेस चेक कर लेंगे। तो देखें हमें कितने वोल्ट मिल रहे हैं जी, यहाँ पे हमें इस वक्त 15 वोल्ट मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने 33 वोल्ट दिए इनपुट, लेकिन हमें आउटपुट में 15 वोल्ट ही मिल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये 15 वोल्ट की जेनर डायोड है। इसी तरह से हम जो है वो दूसरों को भी इसी तरह चेक कर सकते हैं। तो देखें, इसको बंद किया और इसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद देखें यहाँ पे हमारे पास जो बड़ी है जेनर डायोड वो हम चेक कर लेंगे भी।
लेकिन आपको पता चल जाएगा कि ये यहाँ पे चेक नहीं हो सकती। और इसके बाद मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि जो हमारे पास 39 वोल्ट की जेनर डायोड है उसको हम 33 वोल्ट की पावर सप्लाई पे टेस्ट नहीं कर सकते हैं। किस तरह से देखें, यहाँ से सिर्फ 33 वोल्ट ही हमें मिलेंगे और हमें पता नहीं चलेगा कि ये कितने वोल्ट की है। तो सेम प्रोसीजर है, उसी तरह से जैसे मैंने पहले आपको बताया उसी तरह इसको अटैच कर लें और देखें जब हम इसकी पावर सप्लाई को ऑन करते हैं तो पावर सप्लाई ऑन हुई और इसके क्रॉस सेक्शन पर हमने चेक किया जो डायोड है उसके क्रॉस सेक्शन पे चेक किया तो देखें हमें 33 वोल्ट ही मिलेंगे, इससे ज़्यादा वोल्ट नहीं मिलेंगे। तो इस तरह से हमें ये पता नहीं चलेगा कि ये कितने वोल्ट की जेनर डायोड है। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें अपनी पावर सप्लाई को जो है वो बढ़ाना पड़ेगा, इसकी कैपेसिटी को बढ़ाना होगा, तो फिर हम जाके तो इसको टेस्ट कर सकते हैं। तो देखें टेस्ट करने के लिए जो मैंने पहले आपको दिखाया था तो इसको हम सीरीज़ में ले जाएंगे, तो सीरीज़ में ले गए इसके बाद जो है इसकी जो नेगेटिव साइड है इसको निकाल लेंगे और नेगेटिव साइड को हम अटैच कर देंगे दूसरी साइड के जो चैनल नंबर 2 है इसकी नेगेटिव साइड पे इसको अटैच कर देंगे। तो अब हमने देखें यहाँ पे सीरीज कर दिया इसको, अब हम पावर सप्लाई को ऑन कर देंगे तो ये हमारे पास अभी डबल सप्लाई आ रही है। तो डबल सप्लाई मैं आपको चेक करवा देता हूँ पहले। तो देखें यहाँ पे अगर हम यहाँ पे प्रोब्स पे चेक करते हैं तो देखें तो यहाँ पे कितने आ रहे हैं जी, यहाँ पे देखें 66.4 वोल्ट यहाँ पे हमें मिल रहे हैं। अब जब हम डायोड के क्रॉस सेक्शन पे हम चेक करेंगे तो देखें कितने वोल्ट की ये जेनर डायोड है, तो देखें यहाँ पे हमें 39.3 या 25 जो भी यानी कि वो उसमें से गुजर रहा है। तो ये हमारी कितने की जेनर डायोड है जी, 39 वोल्ट की जेनर डायोड हुई। तो इस तरह से ये यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं। ये तो जी हो गई 39 तक की, अगर आपके पास इस तरह की डबल सप्लाई मौजूद है तो फिर तो ये आप कर सकते हैं। लेकिन अब हमारे पास 50 वोल्ट है या 80 वोल्ट की जेनर डायोड है तो उसको कैसे टेस्ट करते हैं, तो चलें अब आपको वो तरीका भी बताते हैं। तो दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि आपने हाई वोल्टेजेस जेनर डायोड्स को कैसे चेक करना है। तो देखें यहाँ पे आपको कुछ बैटरीज नज़र आ रही हैं, तो ये अभी बैटरी कम है। तो ये कौन सी बैटरीज हैं, मैंने नई बैटरीज नहीं खरीदी हुई जी, ये सब ख़राब बैटरीज हैं। देखें यहाँ पे मैंने इनके ऊपर लिखा भी हुआ है, अगर आप पढ़ सकते हो तो ये देखें मैंने इनके ऊपर ख़राब लिखा हुआ है। तो अक्सर जो मल्टीमीटर्स और जितने मेरे पास 5-6 मल्टीमीटर हैं तो उनमें से जब वो ख़राब हो जाती हैं तो मैं उनको फेंकता नहीं हूँ क्योंकि वो मल्टीमीटर में काम नहीं कर रही होती, लेकिन उनमें वोल्ट्स मौजूद होते हैं। देखें अगर मैं इनको यहाँ पे चेक करूँ तो देखें यहाँ पे इस पे वोल्ट नहीं आ रहे, तो इसको निकाल देते हैं और जिसमें वोल्ट आते हैं उसको मैं अपने पास रख लेता हूँ। तो देखें यहाँ पे अभी 7.6 वोल्ट इसमें मौजूद हैं, तो ये अभी कारामद है मेरे टेस्ट करने के लिए। तो देखें 7.6 वोल्ट इस तरह से तमाम बैटरीज पे कुछ ना कुछ, देखें यहाँ पे 5 वोल्ट मुझे मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है ये मेरे काम की बैटरी है। इसी तरह से यानी कि मैं चेक कर लेता हूँ बैटरीज़ को और जो डेड होती हैं इस तरह से, ये देखें ये डेड बैटरी थी बिल्कुल, इसमें वोल्ट नहीं है, तो फिर इस तरह की बैटरी को मैं फेंक देता हूँ, इस तरह की बैटरी मैं यूज़ नहीं करता हूँ क्योंकि ये फिर किसी फ़ायदे में नहीं आती है। तो इससे ये इसको साइड पे कर देते हैं जिसमें कुछ ना कुछ वोल्ट मौजूद होते हैं, जैसे कि मैं एक और आपको सैंपल दिखा देता हूँ तो जिसमें 2 वोल्ट भी होते हैं तो वो भी मैं नहीं फेंकता। देखिए यहाँ पे तो अच्छे वोल्ट आ रहे हैं, तो 2 वोल्ट वाली बैटरीज भी यहाँ पे मौजूद हैं, तो लेकिन ये मीटर में काम नहीं करती हैं। तो इस तरह से ये मैं इन बैटरी को सेव कर लेता हूँ और फिर क्या करता हूँ, इनको तमाम को जो है वो हाई वोल्टेज चेक करने के लिए सीरीज़ में अटैच करता जाता हूँ। तो जब आप सीरीज़ में अटैच करते हैं तो इससे पहले हमने क्या सीखा कि जब आप सीरीज़ में अटैच करते हैं तो वोल्टेज डबल हो जाते हैं, तो वोल्टेजेस को डबल करने के लिए सीरीज़ में अटैच करते जाएं। और अब हमें पता है कि हमने जब 39 को जब चेक कर लिया 63, अगर आपके पास हाई वोल्टेज है 66 पर भी आपको 66 ही मिल रहे हैं तो फिर आपने क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि आपकी बैटरीज कितनी है आपके पास, तो आपको बैटरी बैंक बनाना पड़ेगा और इसके बाद जो है वो आप इसको कर सकते हैं। तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा बैंक बना हुआ है और मैं इनको यूज़ करता हूँ इस काम के लिए। और ये देखें जी हमारे पास एक जेनर डायोड है जो कि काफ़ी हाई वोल्टेजेस की जेनर डायोड है, तो आज हम आपको टेस्ट करके दिखाएंगे ये। और ये SMD है और इसके देखें हमने 2 पाँव जो है वो वेल्ड किए हैं ताकि हम इसको डिप बना के तो चेक कर सकें, तो इस तरह से आप भी इसको कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, हम इसको लगा देंगे इसकी सीरीज़ में। तो एनोड कैथोड का आपने ख्याल रखना है, कैथोड जो है वो रेजिस्टेंस वाली साइड पे जाएगी और एनोड जो है वो ओपन रहेगी। अब देखें यहाँ पे हमने ये बैटरी बैंक जो है वो रेडी कर लिया हुआ है और यहाँ पे हम इनको चेक कर लेंगे और सब सीरीज़ में अटैच हैं। और इस वक्त देखें
अगर हम इसके वोल्टेजेस चेक करें तो उसके लिए भी हमने एक सिस्टम बनाया हुआ है, तो वो भी दिखा देता हूँ मैं। तो ये देखें, यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो ये बैटरीज पर ही लगता है, ये इसके चेक करने के लिए होता है। तो ये बाज़ार में मिल जाता है आम, तो मैंने इससे ही ये सिस्टम को क्रिएट किया है। तो मैं इसके लिए जो वो दूसरे क्लिप्स हैं वो यूज़ नहीं कर रहा हूँ, जो क्रोकोडाइल होते हैं, तो इसलिए मैंने देखें निशानी के लिए मैंने इसको ब्लैक कलर दिया हुआ है और इसको रेड कलर में बनाया है। तो अब देखें यहाँ पे मैं लगा दूँगा, तो जो ब्लैक है वो नेगेटिव है, तो हमारा नेगेटिव पॉइंट कौन सा होगा जी, पहले देख लेते हैं। नेगेटिव साइड ये साइड है जी, तो ये साइड हमारी नेगेटिव होगी, तो नेगेटिव साइड को हम लगा लेंगे। जो बड़ी वाली साइड होती है वो नेगेटिव होती है और छोटी वाली पॉजिटिव होती है। तो इसको लगा के अब देखें इस साइड पे भी लगा लेंगे। अब हम यहाँ पे इनके वोल्ट्स चेक कर लेंगे कि हमें कितने वोल्ट्स मिल रहे हैं जी। सबसे पहले तो हमारा ये काम होगा। अब देखें जी, हमने इसको बैंक को जो है लगा दिया हुआ चेक करने के लिए। तो देखें पहले हम चेक कर लेंगे कि यहाँ पे कितने वोल्ट हैं। तो देखें हमें यहाँ पे कितने वोल्ट मिल रहे हैं, तो देखें यहाँ पे 70 वोल्ट जो हैं वो हमें इन बैटरी से मिल रहे हैं, जो कि जो पावर सप्लाई से बहुत ज़्यादा हैं। तो अब हम इसको क्या करेंगे, जो नेगेटिव साइड है आपको पता है, जैसे आपको मैंने पहले बता दिया हुआ है, तो उसको हम लगा देंगे इसकी एनोड साइड पे, और इसके जो नेगेटिव साइड है सॉरी पॉजिटिव साइड को हम लगाएंगे जी, एनोड साइड पे लगाएंगे नेगेटिव साइड जी, और पॉजिटिव साइड को हम लगा देंगे इसकी कैथोड साइड पे। अब दोनों को चेक कर लेंगे सीरीज में। तो देखें यहाँ से फिर क्या होगा, 70 वोल्ट ही आपको मिलेंगे, तो आप नहीं चेक कर सकते। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा थोड़ा करके जो है बैंक को बढ़ाते जाएंगे। तो हमारे पास और बैटरीज मौजूद हैं, हम उनको अटैच करते हैं और आपको दिखाते हैं। और देखें बैटरीज हमने तैयार कर ली हैं, और अब यहाँ पे आप हमें बताएंगे कि ये कितने वोल्टेजेस यहाँ पे आ रहे हैं, और आगे वीडियो देखने से पहले ये लिख देंगे यहाँ पे। तो इस वक्त हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कितने वोल्ट हैं, और फिर जेनर डायोड पे हमें कितने वोल्ट मिलेंगे। तो देखें अगर हम इसके पॉजिटिव पे लगाएं तो, और इसके नेगेटिव पे लगाएं, देखें जो नेगेटिव इसके साथ अटैच है, तो देखें यहाँ पे हमें 204 वोल्ट जो हैं वो मिल रहे हैं, और इतने ज़्यादा वोल्ट हैं कि हम जेनर को आसानी से चेक कर सकते हैं। अब क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, और इसकी जो कैथोड साइड है इसके साथ हम अटैच कर देंगे जी, कैथोड के साथ हम अटैच करेंगे पॉजिटिव को, और देखें जब हम इसको चेक करते हैं तो देखें चेक करने से क्या हमें वोल्टेज आएंगे निकलेंगे, तो देखें 135 वोल्ट जी में मिल रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो जेनर डायोड है 135 वोल्ट की जेनर डायोड है। तो इस तरह से आप हाई वोल्टेजेस की जो जेनर डायोड्स के हैं उनको इस तरह से बैटरी का पावर बैंक बना के तो आप इसको आसानी से चेक कर सकते हैं। मेरा तो तरीकेकार यही है, और आपके पास अगर और अच्छा तरीका है तो आप उसे कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही इसको टेस्ट करता हूँ।